मनिका प्रखंड मुख्यालय स्थित डिग्री कॉलेज में बकाया परिश्रमिक के राशि भुगतान नहीं होने के कारण मनिका डिग्री कॉलेज के दैनिक कर्मी सोमवार को डिग्री कॉलेज परिसर में ही हड़ताल में बैठ गए। तकरीबन 6 माह से जो दैनिक भोगी कर्मी हम लोग हैं, उन लोगों का जो भी मिलता था पारिश्रमिक रूप में, वो 6 माह हो गए अभी तक नहीं मिला है। और इसके पहले भी हम लोगों को जो मिलता था उसका सही हिसाब नहीं, पीएफ करता था कंपनी बोलते थे पीएफ के नाम पर, वो भी अभी तक खाता उता भी नहीं खुला। क्या हिसाब अभी सही सही नहीं मिलता है, क्या आप मिल रहा है कभी कितना किस महीना में कितना, तो उसके चलते हम लोग हैंड डाउन करके ये है तो कितना हम लोग यही इतने अल्प संख्या में रह करके इसको बल 2018 से चला है। जबकि 2018 से जब हम लोग थे उस समय हम लोग यूनिवर्सिटी से पैसा मिलता था, बाद में पता नहीं चला कि कंपनी ने हम लोगों को आउटसोर्सिंग से कब कर दिया गया। चलते हम लोग पहले तो कंपनी में नहीं थे, दोबारा पैसा हम लोग यूनिवर्सिटी से ही मिला। आप लोग मांग है कि आप लोग का वेतन वगैरह सही से मिले? सही मिले, और जो है वास्तविक मिले, वो पैसा कट भी जाता है तो पता नहीं चलता है। जी जी जी, क्या बोलेंगे, बोलिए। सैलरी है 18,000 तक मिलते हम लोग को। जी जी, सब कंपनी वाला काट फूट के 10,700 तक ही मिलता है। और पीएफ अकाउंट जो खुला है आज तक पीएफ में पैसे ही नहीं आया है। जी, बहुत पिकअप पीएफ अकाउंट किए हैं पर खुल नहीं रहा है। जी, बहुत परेशानी हो रही है, 6 महीना से अभी तक पैसा का कुछ पता नहीं। वहाँ रजिस्ट्रार से पता जाता है तो बोल रहे हैं कि फाइल हम लोग आगे बढ़ा दिए हैं जी जी राजभवन में, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। डीसी सर के पास गए थे तो बोले थे कि 3 दिन के अंदर पेमेंट हो जाएगा। जी, 2 तारीख को ही जी, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। क्या नाम हुआ? राहुल कुमार। कौन सा पोस्ट में? कंप्यूटर ऑपरेटर।